हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम टीचिंग एंड रिवाइज दिस चैप्टर माय बॉडी। ओके, क्लास वन सब्जेक्ट एबीएस, चैप्टर टू क्या है बच्चों? माय बॉडी। इसका मैं क्या कराने जा रही हूँ आज? आज मैं इसका रिवीजन कराने जा रही हूँ। समझ गए ना बच्चों? मैं इसका पहले भी एक बार लिखा चुकी हूँ और फिर मैं आज रिवीजन इसका दोबारा से करा रही हूँ। आप लोग अपने कॉपी से इसे मिला के देख लीजिएगा, यदि कहीं छूट गया होगा इसमें तो उसे फिर से नोट कर लीजिएगा। ठीक ना बच्चों, समझ में आ रही है बातें आप लोग को? देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर ए। ए में क्या है, राइट 10 बॉडी पार्ट्स नेम। आपको 10 बॉडी पार्ट्स नेम लिखना है, अपने बॉडी का पार्ट 10 पार्ट लिखना है। ओके, तो क्या सब हम लोग लिखेंगे? जैसे आईज, ईयर्स, नोज, लिप्स, हैंड्स, लेग्स, फिंगर्स, टोज, टीथ एंड टंग। बच्चों समझ में आ रहा है? देखिए हम मैं फिर से बता रही हूं आपको, आईज, ईयर्स, नोज, लिप्स, हैंड्स, लेग्स, फिंगर्स, टोज, टीथ एंड टंग। इतना तो समझ में आ गया, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, है ना बच्चों? देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर बी बता रही हूँ, राइट टू वेज टू स्टे फिट। कहते हैं कि आप दो उन बातों को लिखिए जिससे आप फिट रहिएगा। हाँ, फिट रहने के लिए दो बातें लिखिए, दो उपाय लिखिए, कुछ भी इसी तरह का बात है कि राइट टू वेट। हाँ, टू स्टे फिट, हम किस प्रकार रहेंगे फिट उसके बारे में, उसका दो बातें लिखना है आपको। वन, इसका आंसर क्या है? वन, प्ले गेम्स। आप गेम्स खेलते हैं तो उसमें आप कितना बिजी रहते हैं बताइए, भाग दौड़ पूरा आपका एक्सरसाइज हो जाता है और अपने आप को एकदम खुश खुश महसूस, तरोताजा महसूस करते हैं। तो प्ले गेम्स एक ये हो गया, और सेकेंड है बच्चों डू योगा। योगा कीजिए सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के, और योगा कीजिए तो क्या होगा, उससे आप एकदम फिट रहिएगा। और भी मैं आपको चैप्टर में तो पढ़ा ही चुकी हूँ कि प्राणायाम कीजिए, सांस से संबंधित योगा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणायाम। जैसे अनुलोम विलोम, कपाल भांति, उज्जायी, ये सब आता है प्राणायाम में। समझ गए ना बच्चों? तो आप उसी से रिलेटेड ये सब है। तो ये बातें हुई इस क्वेश्चन का, ये आंसर, ये कंप्लीट। से क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। इसका मतलब हुआ बच्चों कि खाली जगह में आप सही शब्द चुनकर भरना है, आपको सही शब्द भरना है विथ करेक्ट वर्ड। आपको सही शब्द इसमें से जो सही होगा वो आपको इसमें भरना है। आ रहा है ना समझ में? जैसे वन में देखिए क्या है, I have blanks hands। कितना है, टू है या वन है? आपके पास कितना हैंड्स है? तो टू हैंड है, तो यहाँ पर टू लिखेंगे, I have two hands। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा फिर? सेकेंड में देखिए, I have blanks nose। तो आपको नोज कितने हैं, वन है या टू है? तो बच्चों
वन नोज है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, वन नोज। थ्री में आइए, आई हैव लिप्स, कितना होगा, टू लिप्स, यहां क्या लिखेंगे, टू लिप्स। फोर्थ, आई हैव वन और टू, कितने आइज होंगे यहां पर, टू आइज। फिफ्थ में, आई हैव वन और टू लेग्स, कौन सा होगा, टू लेग्स, यहां पर क्या लिखेंगे, टू लेग्स, टी डब्ल्यू और टू लेग्स लिखा हुआ है, ठीक ना। सिक्स में आइए, आई वॉक विथ माय, आप किस कैसे टहलते हैं, क्या चीज से टहलते हैं, कौन सा ऑर्गन आपको हेल्प करता है, तो लेग्स, आपको इसमें क्या भरना है, लेग्स। आई च्यू विथ माय, आप कैसे चबाते हैं, टीथ से, तो यहां लिखेंगे टीथ। ओके चिल्ड्रेन, आई फिनिश दिस होम असाइनमेंट, यू लर्न एंड राइट इन योर नोटबुक। ओके चिल्ड्रेन, बाय।